भक्ति आपकी इष्ट देव में हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में हो, वैसी ही भक्ति गुरु में हो। कहीं ये लिखा है गुरु बड़ा होता है, कहीं ये लिखा है भगवान बड़ा होता है, आप इस झगड़े में न पड़े। वेद कहता है कि आप केवल एक बात याद कर ले कि हरि गुरु में भेद नहीं है। भगवान गुरु की प्रशंसा बहुत कर देते हैं, गुरु भगवान की प्रशंसा करता है, एक साधारण बातें हैं। तो जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो, वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो, तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। वेद कहता है कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम प्लवभद्रणम अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भवसागरम। गुरु के वाक्य को ऐसा दृढ़ मानो जैसे नदी या समुद्र में जब चलते हो नाव पर बैठकर, तो नाव से बाहर नहीं जाते, हर समय सावधान रहते हो कि नाव से बाहर जाएंगे डूब जाएंगे। ऐसे ही गुरु के वाक्य के अनुसार ही अपने मन बुद्धि को चलाओ, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्था महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। 7:5-32 प्रह्लाद कहते हैं जब तक किसी महापुरुष की चरण धूल का सेवन न करोगे, तब तक न माया संबंधी विकार जाएगा और न भगवत विषय संबंधी कोई लाभ मिलेगा। सरपटक के मर जाओ, पढ़ो शास्त्र वेद, जप करो, तप करो, पाठ करो, कुछ काम नहीं देगा। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैसे तो मनुष्य का शरीर ही दुर्लभ है, देवता लोग चाहते हैं, क्योंकि देवता लोग साधना नहीं कर सकते, केवल भोग भोग है उनके यहां। लेकिन मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो वो और खराब है। यदि कोई महापुरुष न मिले, वास्तविक संत न मिले, तो क्या होगा? वो बहुत पाप करता रहेगा सारे जीवन। एक करोड़ कमाया, 1 अरब कमाया, बिल गेट्स के आगे निकल गए, यही सब करेगा। हम कलेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए, गवर्नर बन गए, प्राइम मिनिस्टर, अरे सब कुछ तो बन गए, मरने के बाद क्या बनोगे, ये सोचा है? वो नहीं सोचा, क्योंकि महापुरुष मिले ही नहीं, उसने समझाया नहीं, तो ये समझे नहीं बिचारे, इनके पास टाइम नहीं। हमारे यहां बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट वाले, वो कहते थे देखो भगवान की बात मेरे सामने मत लाना कभी, नहीं कहीं भगवान
को मैं मानने लग गया तो हमारा पॉलिटिक्स खराब जाएगा। ऐसे ऐसे पापात्मा संसार में है और बड़ी बड़ी पोस्ट पर आज भी है, सतयुग में भी थे इन्हें गिने, आगे भी और होंगे। भयं द्वितीया भिनिवेशतस्य दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। पहले गुरु के पास जाओ। वही तो बताएगा तुमको और संभालेगा, बीच बीच में हेल्प करेगा। खाली लेक्चर दे देने से काम नहीं बनेगा, आगे भी वही संभालेगा। गुरु के शरण में जाकर और गुरु और भगवान दोनों के शरणागत हो, ये तुमको जो बीमारी लगी है माया की, क्यों लगी है? इसलिए लगी है कि तुम भगवान से विमुख थे सदा से, तो विमुख होने की दवा, जिस रीजन से बीमारी पैदा हो उस रीजन को काट दो, बीमारी खत्म। तो रीजन है विमुखता, तो दवा है सन्मुखता। यो पीठ किए हो भगवान से, हाँ सामने आ जाओ, कंप्लीट सरेंडर जिसे कहते हैं। 11:2:37 रहुगण और भरत का आख्यान भी भागवत में है। रहुगण तत् तपसा न जाति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद् वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। 5:12:12 भरत कह रहे हैं रहुगण से, बिना महापुरुषों की शरणागति के करोड़ों यज्ञ करो, व्रत करो, तपश्चर्या करो, कुछ कर डालो, न माया जाएगी न भगवत प्राप्ति होगी। और मुश्किल ये है कि महापुरुषों को हम अपनी माइक बुद्धि से पहचान नहीं सकते। वही रहुगण कह रहे हैं फिर भरत से, योगेश्वराणाम गति मंद बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंधा। महाराज हम गृहस्थी लोग महापुरुषों की बात कैसे समझ सकते हैं? तो महापुरुष को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ये एक क्रम है। नंबर 1 श्रद्धा हो, नंबर 2 सही संत हो, दोनों सही हो, श्रद्धा भी सही हो, संत भी सही हो,
तो फिर आगे सब बात बन जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मरीज भी दवा करने को तैयार हो, डॉक्टर भी सही हो तो रोग जाएगा। तुलसीदास ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, और रघुपति भक्ति सजीवन मूरे। सदगुरु डॉक्टर हो सही, और उसके वचन पर विश्वास हो, वहां लेकिन किंतु परंतु न लगाओ। वाल्मीकि से कहा मरा मरा कहते रहना जब तक लौट के न आवे। आप कब लौट के आएंगे? ये नहीं पूछा। ये मरा मरा कहने के बाद फिर क्या होगा? ये नहीं पूछा। बस गुरु वाक्य का पालन करना है, आगे सोचना विचारना नहीं है, वो जानेंगे। वेद में कथा है, एक गुरु के पास तमाम विद्यार्थी वेद पढ़ रहे थे, और एक इतना कुंद बुद्धि था कि उसको याद ही नहीं होता था कुछ, इतनी मेमोरी खराब। तो वो गुरु जी की सेवा करता था, अपना चरण दबावे, अपना नहलावे धुलावे, सब अपना ये जितना भी शारीरिक सेवा। एक दिन बहुत पानी बरसा रात को, तो गुरु जी ने अपने शिष्यों से कहा भाई देखो खेत है, उसका पानी बह जाएगा, और धान बोना है कल सवेरे, तो पानी उसको रोको। तो सब शिष्य गए, लेकिन वो इतना तेज धार थी कि मिट्टी रखे तो बह जा। तो सब लौटा है एक के बाद एक, एक के बाद एक कि गुरुजी वो तो पानी बह जाएगा, वो नहीं रुक सकता। उसको भेजा बाद में कि देखो भाई ये कैसे कैसे काम चलेगा। हो गया, उसने भी मिट्टी रखा बह गई, तो वो खुद लेट गया। उसने वो जो जहां से पानी बह रहा था लेटा रहा। सवेरे गुरु जी का काम वही करता था, उन्होंने कहा भाई वो कहाँ गया? उन्होंने कहा गुरु जी वो गया तो था वही, पर लौटा नहीं। अरे क्यों नहीं लौटा, क्या बात हुई? गुरु जी खुद गए, आवाज दिया, थोड़ा अंधेरा था, तो वही लेटे लेटे बोलता है गुरुजी अगर मैं आऊंगा तो पानी बह जाएगा। गुरुजी ने और शिष्यों को देखा, उसने कहा देखा, उसके सिर पर हाथ रखा, साहब शास्त्र वेद का ज्ञान हो गया। तो श्रद्धा अगर नहीं है तो अनंत कोट गुरु मिले। मूरख हृदय नचेत यदि गुरु मिले बिरंच सम। अगर ब्रह्मा भी जगत गुरु मिल जाए तो भी क्या होगा, हम विश्वास ही नहीं करते उसकी बात पर, या मान लिया प्रैक्टिकल नहीं करते तो क्या होगा। इसलिए श्रद्धा हो और वास्तविक महापुरुष हो, ये चुंबक लोहे को खींचता है। एक चुंबक बीच में रख दो, चारों ओर सुइयां एक डिस्टेंस पर लगा दो, जो केवल लोहे की होगी वो खींच जाएगी,
और जो थोड़ी मिलावट की होगी धीरे धीरे आएगी, और जो बहुत गड़बड़ होगी वो अपनी जगह हिलेगी। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। जब जब हमको हमने भगवान को देखा अवतार काल में या संतों के पास गए, तो जिनका हृदय जितना शुद्ध था उतना वो खिंच गया, और जितना गंदा था उतना वो धीरे धीरे चल रहा है पैदल की स्पीड में। और आश्चर्य करता है एक तीसरा, भाई ये भी 10 साल से और ये भी 10 साल से और ये इतना आगे बढ़ गया है ये, और ये मेहनत भी करता है फिर भी नहीं उतना बढ़ा। अरे भाई देखो, ऐसा है कि उसका पहले से जमा था पूर्व जन्म का 90,000, तो 10,000 जमा किया लखपति हो गया, और इसका कुछ नहीं जमा था तो ये बेचारा धीरे धीरे लखपति बनेगा, बनेगा वो भी। तो उसी प्रकार यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव हि, वेद अभ्यास कहते हैं, जितना हृदय मलिन है उतने वो देर में भगवान की ओर गुरु की ओर शरणागत होता है। लेकिन एक दिन होना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं हुआ ठीक है, मटर गश्ती करते करते मर गया, उसके बाद फिर करोड़ों कल्प बाद जब मानव देह मिलेगा तो फिर कोई जगत गुरु कोई संत समझाएगा, और फिर हम सिरे ला के कह देंगे ठीक है आगे देखेंगे। यही कर रहे हैं, अनंत जन्म बीत गए और अपने को बुद्धिमान भी कहते हैं। हम ऐसे बेवकूफ थोड़े हैं, बहुत समझ बूझ के काम करते हैं। अरे इतनी बड़ी चीज मिली है मानव देह, और सही मार्ग भी मिल गया, और तुम नहीं लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो, कहते हो हम ऐसे वैसे थोड़े ही है। तो इस प्रकार गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है, क्योंकि वही हमको पहले तत्व ज्ञान कराएगा, नंबर दो फिर जब हम चलेंगे तो हमको संभालेगा, और नंबर तीन जब अंतःकरण की शुद्धि 100% हो जाएगी तो वो दिव्य प्रेम दिव्य शक्ति भी वही देगा। तो वास्तविक महापुरुष का पता लगाओ, अगर नहीं मिलता है तो रोकर डायरेक्ट भगवान को पुकारो कि हमको किसी महापुरुष से मिला दो। वो अकारण करुण भगवान ऐसा हिसाब बिठा देंगे कि तुमको महापुरुष मिल जाएगा, ऐसा संजोग जब कभी बन जाए। जो यही भांति बनाई संजोगा तो फिर सब बात बन जाए।